हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन इंग्लिश हब चैनल। अज आप गल करेंगे कुछ बोलना रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बारे जिद अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अज्ञी वीडियो। तो पहली गल ये कि रीडिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं हैगी, इन कुछ मेन जी पॉइंट ने जिन्हों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए रीडिंग के एग्जाम वेले। फर्स्टली लाइक जिमें इनिशियल स्टेज के स्टार्टिंग पॉइंट ये हैगा कि जो तुम रीडिंग शुरू करते हो तो टाइम मैनेजमेंट बारे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लैनी। ये नहीं कि थोड़े तुम टाइम मैनेजमेंट कवर नहीं कर पाओगे, टाइम में कवर नहीं कर पाओगे, एक कवर के तीन पैसेज में कंप्लीट नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ भी नहीं अपने माइंड से रखना। तो तुम सब तो पहला लर्निंग टेक्निक के उपर जोर देना कि तुम रीडिंग किस तरह सीख सकते हो। सैकेंडली इस गल का ध्यान रखना कि हैबिट बना लो अपनी एक इंग्लिश को हर रोज स्टडी कर, इंग्लिश रीड करो। जेकर तुहानू कोई वर्ड का नहीं भी समझ आता तो उसके बारे डोंट वरी अबाउट इट, तुम अपने लगातार कंटिन्यू रीड करो, पैसेज रीड करो। लाइक जिवें तुम कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन वगैरह, नॉवल वगैरह, इस तरह मॉर्निंग टाइम जेकर इन्हां दी हैबिट बनाओगे तो डेफिनेटली अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो कम टू द पॉइंट, तो शुरू कर दें अभी वीडियो। तो फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट हैगा रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली मीनस कि जो कि तुम पॉइंट दिए जाते हैं, जोड़े इंस्ट्रक्शन दिखे जाते हैं एग्जाम उन्होंने केयरफुली रीड करना चाहिए। लाइक जिमें टू पॉज नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन, बहुत ही डिफरेंट्स हों इस बारे गल कर रहे हैं आप। सैकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कई स्टूडेंट मानते हैं कि एग्जाम्पल एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस तरह का कुछ भी नहीं होंगे। मोस्टली जो एग्जाम्पल दिखाई जाती है पैसेज के होंगे कि तुम आंसर लभन पूरा ईजी हो जाता है, तुम ईजीली अपना आंसर लोकेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैथड टू रीड टैक्स। मैथड की है टैक्स में रीड कर, पैसेज में रीड कर की फॉर्मूला है कि दो तरीके ने। फस्ट हैगा स्कैनिंग, ये की होंगे कि स्कैनिंग होंगे कि तुम जो सेंटेंस दिता जाता है, जो लाइन दिती जाती है उसको स्लोली रीड करो। कुछ वर्ड्स होंगे ने इंपॉर्टेंस वर्ड होंगे ने उन्होंने अपने दिमाग दे विच सेट करो, ये होंगी है स्कैनिंग। सैकेंड होंगे स्किमिंग, इन्हें विच की होंगे कि तुम एक लाइन एक सेंटेंस में फास्ट पेस से पढ़ना होंगे, जल्दी जल्दी पढ़ो एक लाइन में। जेकर तुम्हें किसी लाइन की किसी वर्ड की नहीं भी समझ आती तो उसके बारे टेंशन नहीं लेनी, उसके बारे कोई टेंशन लेने वाली गल नहीं होंगी। जेकर तुम्हें नहीं भी पता तो उसको छोड़ो, अगे पढ़ो, जिहड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे ने उन्होंने टिक करते जाओ, इस तरह तुम्हें आंसर लोकेट करने में ईजी होता है। फोर्थ पॉइंट डू नॉट रीड पैसेज फर्स्ट, कभी भी अपना जो पैसेज होंगे उसको पहला रीड नहीं करना चाहिए, पहले जो क्वेश्चन दिता जाता उसको रीड करो। फिफ्थ पॉइंट हैगा विच पैसेज विल यू चूज फर्स्ट, कि स्टूडेंट ये वो दो तो तीन मिनट खराब कर देने कि पहला वो कि पैसेज कर, फस्ट पैसेज कर, सैकेंड कर, थर्ड पैसेज कर, कि पैसेज ईजी होगा, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइक कुछ टिप्स ने ये बारे जिमें कि कई पैसेज शुरू होंगे ने हैडिंग टाइटल्स एंड फिलअप्स, ये होंगे ने पैसेज, तो तुम वो पैसेज कर सकते हो ईजी होंगे है, हैडिंग्स वाला मोस्टली पैसेज ईजी होंगे है। सैकेंड पैसेज कई बार ट्रू फॉल्स तो भी शुरू होंगे, एम सी क्यूज तो शुरू होंगे, ये भी पैसेज बहुत ईजी होंगे है, तो इस तरह तुम अपना पैसेज चूज कर सकते हो। हाँ जी, नैक्सट पॉइंट हैगा सिक्स पॉइंट, ये की है हाउ टू लोकेट आंसर, कि तुम अपने आंसर को किस तरह लोकेट करना है। ये जो भी आंसर होंगे ने क्वेश्चन के आंसर होंगे ने वो एप्पल पाई ऑर्डर के होंगे ने, मतलब कि सीकुएंस के आंसर दिए जाते हैं एकदम लाइन के। इतने पॉइंट उ जाता है कि तुम स्कीमिंग एंड स्कैनिंग वाला फॉर्मूला अपना है, लाइक दिस, इस तरह जिमें बुक पर दिता गया है इस तरह तुम इस रीड करना, उपर तो लगना इस तरह जल्दी जल्दी फास्टली स्किमिंग एंड स्कैनिंग करनी इसकी, इस ना तो आंसर जो होंगे वो जल्दी लोकेट हो जाता है। कई बार जो टाइटल होंगे टाइटल वाला क्वेश्चन होंगे वो एंड इस तरह का आंसर उत्ते एंड भी पाया होंगे इसका। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा क्वेश्चन सॉल्विंग टैक्नीक। क्वेश्चन सॉल्विंग टैक्नीक ये की है कि किस तरह के तुम क्वेश्चन आते हैं, तो ये एट बेसिक टाइप ऑफ आयल्स रीडिंग क्वेश्चन होंगे ने, लाइक जेस नो नॉट गिवन वाले एंड शूटेबल हैडिंग्स, किड़ी शूटेबल हैडिंग है इसकी, फिलअप्स होंगे ने नो मोर दैन थ्री वर्ड्स एंड एम सी क्यूज, टेबल पाई चार्ट डायग्राम इस तरह, सॉरी टेबल चार्ट और डायग्राम, इस तरह के कुछ डायग्राम दिती होंगी उसमें जिस तुम फिलअप्स करने होंगे ने, इस तरह के क्वेश्चन होंगे ने। एंड नैक्सट हैगा हाउ टू सॉल्व येस नो नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन है कि तुम येस नो नॉट गिवन किस तरह सॉल्व कर सकते हो, इसका भी एक फॉर्मूला है येस नो नॉट गिवन सॉल्व करने का,
ਕਿ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਰਬਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬਲ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਜ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਵੇਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਲ ਪਾਰਟਸ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਯੈਸ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪਾਰਟ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅਦਰ ਟੂ ਪਾਰਟ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋ ਹੋਊਗਾ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਯੈਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਨੌ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦਾ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਜ ਫਸਟਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਜ ਨੋਟਿਸਡ ਔਨ ਡਿਸੰਬਰ 20, 1951, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਇਸ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਜ ਫਸਟਲੀ ਜਨਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਮੈਚਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵਾਜ ਨੋਟਿਸਡ ਔਨ ਡਿਸੰਬਰ 20, 1951, ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਯੂਸਫੁਲ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।